सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए कुछ नए अपडेट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में। सो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं वसीम शेख के बारे में। सो गाइस, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया था कि वसीम शेख जो है वो पहले मुंबई का निखिल के साथ काम करते थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन जो है वो मुंबई का निखिल के साथ अब और काम नहीं करते, वो उनकी जॉब और नहीं करते हैं। और अभी जो है उन्होंने वसीम शेख नाम के एक चैनल स्टार्ट किया है, उस पर वो अपनी डेली व्लॉग्स डालते हैं। सो गाइस, उन्हीं व्लॉग्स में से जो अभी रिसेंटली उन्होंने Q&A सेशन किया था अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। सो गाइस, काफी सब्सक्राइबर्स ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि जो है वो उन्होंने मुंबई का निखिल के साथ काम क्यों करना छोड़ दिया। सो उसी से रिलेटेड गाइस उन्होंने अपने इस व्लॉग पर काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। सो उसी पार्ट का मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आपको प्ले करके दिखाता हूं, आप भी देखिए कि उनका क्या कहना है। अगला क्वेश्चन है सौरभ की तरफ से। सौरभ पूछते हैं कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग एंड आर यू रियली हैप्पी। देखो भाई, लाइफ तो फाड़ू चल रही है फिलहाल, बहुत अच्छी बहुत हैपनिंग हो रही है। जो न्यू करियर मैंने स्टार्ट कर लिया है, एज ए करियर ही बोल दो फिलहाल, जब तक जॉब नहीं मिलता है तो। और ये गंदी आती रही बात हैप्पी की, तो आप देख ही सकते हैं मैं लास्ट 2 मंथ से मैं कितना हैप्पी और मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग चल रही है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इसका। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये Q&A वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ यूनिक क्वेश्चंस उठाए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको भी बताया किस चीज़ के बारे में हो गए। 95% क्वेश्चंस वही थे। तो ऐसे स्क्रॉल करता गया मैं, स्क्रॉल करते गया, जो अच्छे क्वेश्चंस मिले मैंने ले लिए। बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ में मसाला ढूंढना है बाकी जो कम मसाला था मैंने उसके बारे में बात कर दी। जो चीज़ आपको जाननी है मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे वो चीज़ रखनी नहीं अपनी ज़िंदगी में। मैंने उस चीज़ को निकाल के फेंक दी, मैंने अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू की है। तो प्लीज़ आप मेरे लाइफ के इस नए सिरे के साथ में ही जुड़े रहो, मेरे पास को मत खरीदो। इतना ही बोलूँगा, जो बीत गया वो बीत जाने दो, उसको छोड़ दो, नए सिरे से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पीछे कुछ नहीं रखें। आई नो आप लोगों को वही जानना होगा क्या क्यों कैसे, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फिलहाल। सच बोलूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मैंने इस चीज़ को हटा दी अपने दिमाग से और दिल से, इसलिए मैं आज खुश हूँ उसको ऐसे रहने। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की और मैं बात करने वाला हूँ कैंडी फॉक्स चैनल के बारे में। सो गाइस, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कैंडी फॉक्स ने भी रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था, और इस वीडियो का नाम है करी पुलिस। और गाइस आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है इसमें इंडियन कल्चर के बारे में जो है काफी ज्यादा इंसल्ट किया गया है, और इंडियन ऑडियंस का इस चीज के ऊपर जो है काफी बुरा रिएक्शन रहा है। और फिर फाइनली ये हुआ गाइस कि उनको ये वीडियो अपने चैनल से जो है हटानी पड़ी, और साथ ही में जो है उन्होंने एक अपोलॉजी वीडियो भी अपलोड करी अपने चैनल पर। और गाइस इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपको एक और आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, उनका नाम है, चैनल का नाम है नमस्ते कोहे बोल के, और वो भी जो है इस वीडियो में 5 सेकंड के लिए है। सो गाइस, हुआ ये कि जब ये वीडियो रिलीज हुआ तो उसके बाद तो वो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे इस वीडियो के बारे में, लेकिन जैसे ही जो है ऑडियंस का रिएक्शन इस वीडियो के अगेंस्ट गया तो गाइस इन्होंने अपने चैनल पे फिर एक वीडियो अपलोड किया और उन्होंने अपोलॉजी मांगी इस चीज से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद गाइस ये हुआ कि रोम रोम जी बोल के जो चैनल है उन्होंने इनको फिर से एक्सपोज किया और ये बोला कि नमस्ते कोहे जो है वो अपने ट्विटर पर जो मैसेजेस सेंड कर चुके हैं पहले, उसमें जो है उन्होंने सॉन्ग का मजाक ही उड़ाया है, और बाद में जो है गाइस ऑडियंस रिएक्शन खराब होने की वजह से जो है उन्होंने अपनी अपोलॉजी मांगी। तो उसी वीडियो में से गाइस रोम रोम जी के वीडियो से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, जो कि वो बता रहे हैं नमस्ते कोहे के बारे में। उन्होंने वीडियो तो वो प्राइवेट कर दी है और एक अपोलॉजी का वो लेटर सा लिख के उसकी 2 मिनट की एक वीडियो बना के डाल दी, पर उस गाने की वीडियो नहीं है तो YouTube पे उसकी ऑडियो डली पड़ी है, बढ़िया सुन तो हर कोई सकता है अभी भी। तो ये किस बात की अपॉलॉजी हुई है भाई, ये कैसी गलती मानी है अपनी। और उसके साथ साथ Spotify पे, Amazon Prime पे, Apple Music पे सब जगह गाना तो है ही है, वहां से तो किसी ने कुछ नहीं हटाया, बस वो जो पब्लिक ने कमेंट लिख के उसमें हल्ला मचा दिया था तो वो देख के उन्होंने वो हटा दिया, और जो ऑडियो डाल रखी है YouTube पे प्रॉपर तो उसमें कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया। क्यों भाई, जब इतनी गलती मान रहे हो तो तुम सारी चीजें हटाओ ना, दिखावा कर दिया सिर्फ कि हाँ हमने कर लिया, ठीक है तुम्हें गलत लगा, ठीक है सॉरी। ट्विटर पे हूं नहीं मैं, बात बताऊं जितने भी जापानीज यूट्यूबर है इनके 36 तो अकाउंट है, एक हिंदी के लिए, एक इंग्लिश के लिए, एक जापानीज के लिए, तो इधर तो ये सारा तालमोल तो एकदम देख देख के कि कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, सटीक एकदम वैसे लिखते हैं, पर अपने ट्विटर में जापानी में अपने लोगों के आगे हवा बनाने के लिए उनसे तो अपना दिल खोल के बता देते हैं सब कुछ। वो जापान में रहता है एक बंदा, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे, भाई देख रहे हो कि ये कितनी मक्कारी है, कितना झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा कि यार अब मुझे भी पढ़नी लिखनी आती है जापानीज, तो अब सारी बातें मैं ही बताऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा प्रॉपर, ये देखो कि मैंने वो वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, उन लोगों ने मुझे बुलाया था सिर्फ उस वीडियो में 5 सेकंड के लिए दिखने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए, और 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए कुछ डायलॉग पढ़ने के लिए। जब बात उल्टी पड़ गई ना तब जाके ये इंस्टा सभी इन्होंने हटा दिया, अपना डिलीट कर दिया सब पुराने सारे रिकॉर्ड गायब कर दिए, पर भैया हमारे लौंडों ने तो स्क्रीनशॉट दे रखे थे, अब हम बताएंगे ट्रांसलेशन प्रॉपर। कुछ भी नहीं पता था भाई साहब को, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बुलाया था और कुछ आइडिया नहीं। और ट्विटर पे देखो बस नाना नंगा होके मैं नाचूंगा, नंगा होके नाना नंगा होके नमस्ते पुलिस,
कोलो मेरो नीचे लिखा हुआ है कोलो मेरो दी खामी सुगीते माइकाई थोरी हदा थात्सु होंतो नी सुगोई वीडियो दासी ओंगा को। ये जो इस गाने की जो मेलोडी है इतनी ज्यादा दिव्य है, इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़िया है कि कतई भगवान ने बनाई हो, साक्षात इतनी ज्यादा अच्छी है उसको बोलते हैं। और हर बार वो होता है थोड़ी हदा तासु मतलब घोष बम्स आ जाते हैं भाई हर बार जब से इस गाने को सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया वीडियो बनी है भाई, ट्विटर पे लिखा जा रहा है भाई साहब। ये देखो अगला ट्वीट कर रखा है इसने, नांदो की तेमो तिवानी तिवानियान सानो सक्यो को खामी सुगीते थेन साई सुगीते थोड़ी हदा तासु खांदो शुरू। खांदो, खांदो का मतलब पता है अप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई इस चीज को। तो मैं चिबानियन जो जिसने बनाया गाना उसको वही भैया कहते, और तेंसाई होता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट, जैसे सचिन तेंदुलकर में, महेंद्र सिंह धोनी में, लता मंगेशकर जी में, वैसा टैलेंट है इस गाने को बनाने वाले में, ऐसा ट्वीट कर रहा खुद ही। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो आपको बता दूं गाइस, टेक्निकल गुरुजी ने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में, एक प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि 18 साल की उम्र से जो भी कम है वो इस गेम को नॉर्मली नहीं खेल सकते और उससे रिलेटेड उनको क्या करना होगा। तो आप ही देखिएगा इसकी टेक्निकल गुरुजी इस चीज से रिलेटेड क्या कह रहे हैं। अगर आपकी 18 साल की नहीं है तो क्या होगा अगर आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्लियरली लिखा है कि भाई जिनकी एज 18 से कम है, बेसिकली मतलब आपको क्या है, आपके पेरेंट या गार्डियन ने दोस्तों मोबाइल नंबर देना होगा, और डेफिनेटली जो है ये मोबाइल नंबर का मतलब सिर्फ नंबर देना नहीं होगा, डेफिनेटली यहां पर कुछ एक वेरिफिकेशन होगा ओटीपी वगैरह का, उसके बाद आप गेम को खेल पाएंगे। और अगर आप अति कर देते हैं, अगर आप गेम खेलते रहते हैं, तो यहां पर दोस्तों अभी पेरेंट या गार्डियन जो है उनके पास में ये ऑप्शन है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनके चाइल्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो उनके सिस्टम से डिलीट कर दी जाए, और वो डिलीट कर दी जाएगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ कैरी मिनाती के बारे में। सो गाइस रिसेंटली अभी कैरी मिनाती के मैनेजर से काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने उनको पूछा कि जो है कैरी मिनाती की नेक्स्ट वीडियो का क्या अपडेट है, कितनी जल्दी वो आने वाला है। सो उस चीज से रिलेटेड गाइस मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आप भी देखिए कि कैरी मिनाती के मैनेजर क्या कह रहे हैं। वीडियो कैरी की वीडियो यार अजय लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 85% डन है, बस 15% और रह रही है, तो बस जैसे ही 15% हो जाएगी और फिर कर देंगे उसे लॉन्च, लाइव कर देंगे, कोई सीन नहीं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ सोनू निगम के बारे में और खान सर के बारे में। सो गाइस अभी बता दूं कि सोनू निगम ने जो है अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो खान सर के बारे में काफी कुछ प्यारी व्यारी बातें कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं गाइस, उसी से एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप भी देखिएगा। एक बंदा है जिसको आप लोग सुनो और देखो, मैं तो उसके प्यार में पड़ गया हूँ, वो है खान सर। ओ माई गॉड, उस आदमी को तो पद्मश्री मिलना चाहिए जल्दी। ही इज़ अ 26-27 ईयर ओल्ड बॉय आई वुड से, एंड व्हाट अ वंडरफुल टीचर ही इज। उनको तो मैंने भी अपना गुरु मान लिया है, कितनी बातें सीखा हूँ उनसे। तो अगर आपको मौका मिले तो खान सर के पास ज़रूर जाना। ही वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी अच्छी तरह सिखाता है, सिखाते हैं। है तो मुझसे बहुत छोटा, मेरे से आधी उम्र का है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं क्योंकि इतना अच्छा टीचर है तो मैं उनको इज्जत से कहूँगा कि वो इतना अच्छा सिखाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और उनका नज़रिया इतना निष्पक्ष है, वो ना लेफ्ट है ना राइट है। ये बात मुझे पसंद है उनकी, जहाँ गवर्नमेंट की बुराई करनी होती है वहाँ करते भी हैं, और जहाँ गवर्नमेंट का साथ देना होता है वहाँ भी साथ देते हैं। सो इज़ अ निष्पक्ष गाय एंड आई लव हिम। सो अगर खान सर आप इसे देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआएँ और बहुत बहुत प्यार। कीप अप द गुड वर्क एंड आई लव यू वेरी मच। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ मनोज दे वर्सेस एल ग्रो के बारे में। तो यहाँ पर हुआ ये गाइस कि मनोज दे ने जो है अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो ये बता रहे कि उनके 500 व्यूज में उनको जो है $1 मिल जाता है। जी हाँ गाइस, मनोज दे ने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पूरी वीडियो देख लीजिए। सो गाइस इसी वीडियो के ऊपर जो है एल ग्रो ने अपना एक नया वीडियो डालते हुए ये रिएक्शन दिया कि 500 व्यूज और 1500 व्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और 500 व्यूज में जो है $1 नहीं बनते हैं। उन्होंने जो है ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाया जिसमें उन्होंने बताया कि 500 नहीं बल्कि 1500 व्यूज में $1 मिलता है। सो वो उसी वीडियो में से मैं आपको एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूं गाइस, आप भी देखिए। तो जैसे तुम वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखोगे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि उसमें लिखा है 500 व्यूज पर $1, शॉर्ट्स अर्निंग प्रूफ। ठीक है, मैं मानता हूं क्लिकबेट है एंड क्लिकबेट करना भी जरूरी होता है, बट भाई क्लिकबेट और गलत इन्फॉर्मेशन में फर्क है ना। तुम एक
चीज को घुमाकर या बड़ा चढ़ाकर भी बोल सकते हो, पर बिल्कुल गलत बोल देना यार ये तो सही नहीं है दोस्त। ओए एल्ग्रो, प्रूफ दिखाया मनोज देने, कुछ भी मत बोल। अच्छा जरा प्रूफ में देखो, 87.8,000 व्यूज पर 51.51 यूएस डॉलर्स हैं। एंड अगर तुम 87.8,000 व्यूज को 58.51 डॉलर्स से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 500 व्यूज पर $1। यही सोचा था ना तुमने? नहीं, 500 व्यूज पर $1 नहीं है, बल्कि 1500 व्यूज पर $1 है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कम है यार, डोगो के कभी 5 तो कभी 10,000 व्यूज पर जाकर $1 बनता है, तो ये सही में बहुत तगड़ा एड रेट है। पर भाई गलत इन्फॉर्मेशन तो गलत ही है ना, 500 और 1500 में कोई फर्क नहीं है। तो गाइस होता ही है कि एल्ग्रो के इस वीडियो के बाद जो है मनोज दे अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए नीचे लिखते हैं मेरे पीछे पढ़ना छोड़ दो। इसी वीडियो में से गाइस मैं आपको एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूं, तो आप भी देखिए कि मनोज दे क्या कह रहे हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने बताया था कि 500 व्यूज पे YouTube शॉर्ट्स पे $1 अर्निंग, हाँ 500 व्यूज पे $1 अर्निंग मैंने दिखाया था, वो भी अर्निंग प्रूफ के साथ। उस वीडियो में मैंने दिखाया था अर्निंग प्रूफ, उसमें मैंने दिखाया था कि 88,000 उस वीडियो पे व्यूज है, शॉर्ट्स वीडियो है, और उसमें डॉलर जो बने हैं वो $60 अप्रॉक्स बने हुए हैं। तो मैंने बता दिया कि 500 व्यूज पे $1, बट वहां पर कैलकुलेशन करोगे तो 1500 व्यूज पे $1 बनेगा। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा जो है मान सकते हो कि कैलकुलेशन में मेरा सर रॉन्ग हो गया था, बट 500 और 1500 में ज्यादा का भी डिफरेंस नहीं समझ में आता है, क्योंकि दोस्तों एक टाइम था जब मेरे यूट्यूब चैनल पर 10,000 12,000 व्यूज पे $1 बनता था, बट अभी 1500 व्यूज पर अगर $1 बन रहा है तो काफी बेहतरीन है। 15,000 व्यूज पे $1 बनता था पहले, और अभी 1500 व्यूज पे $1 बनता है। तो वो चलिए थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया कि मैंने वहां पर कैलकुलेशन गलत कर दिया, मैंने 1500 जगह 500 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे उससे रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं YouTube पे, जहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे यूट्यूबर्स फ्रॉड हैं, कई सारे यूट्यूबर्स गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चलिए गाइस ये थी अब तक की अपडेट्स, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो पर नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइस, और बगल में गाइस एक घंटी भी है उसको भी दबा देना गाइस, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।